नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों मिस्टर बच्चन मिस्टर बच्चन एक फिल्म आ रही है और दोस्तों इसमें रवि तेजा प्रमुख भूमिका में है और इसमें भाग्यश्री भी प्रमुख भूमिका में उनके साथ नजर आएगी। तो फिल्म का टाइटल बहुत ही आकर्षक है और इस फिल्म को दोस्तों हरीश शंकर डायरेक्ट करने वाले हैं और अभिषेक पाठक भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर है, मतलब अजय देवगन सर भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर है। काफी बड़ी ये फिल्म बनने वाली है और रवि तेजा जी संदाज में बैठे हुए हैं, बिल्कुल अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। तो मतलब अमिताभ बच्चन का एक नीचे एक आइकोनिक एक डायलॉग भी लिखा हुआ है कि नाम तो जानते ही होंगे या ऐसा कुछ है, शायद मैंने देखा था वहां पे। तो अमिताभ बच्चन टाइप का रोल यहाँ पे रवि तेजा करते हुए नजर आने वाले, बिल्कुल उसी अंदाज में बैठे हुए, उसी अंदाज में सब कुछ वो यहाँ पे एक हंगामा करने वाले। तो दोस्तों इस फिल्म की कल अनाउंसमेंट हुई है और ये इतना बता दूं आपको कि ये फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसकी शूटिंग अभी 2024 में ही शुरू हो जाएगी, शुरू के जनवरी में शायद शुरू हो जाएगी फिल्म और वन शेड्यूल में, मतलब स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल में फिल्म को कम्प्लीट कर लिया जाएगा। तो जिस प्रकार से इस फिल्म का टाइटल रखा गया मिस्टर बच्चन, तो वो अपने आप में एक एक्साइटमेंट है और मुझे लगता है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन से रिलेटेड ये स्टोरी होगी शायद, या तो रवि तेजा वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन होंगे और किस प्रकार से वो उनकी एक्टिंग को बड़े पर्दे पर ऊपरले पर्दे पर उतारते हैं ये वाकई देखने लायक होगा, क्योंकि रवि तेजा बहुत ही बेहतरीन एक माइंड ब्लोइंग सुपरस्टार है। तो बड़ा मजा आएगा जब वो अमित जी के अंदाज में यहाँ पे एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। और क्या इसमें क्या कुछ नया लेके आते, क्या इसमें अमिताभ बच्चन को भी दिखाया जाएगा, लगता है मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनका भी एक कैमियो हो सकता है या अभिषेक बच्चन का कुछ हो सकता है इसमें रोल, ये एक संभावना मुझे जरूर यहाँ पे लग रही है। लेकिन डेफिनेटली फिल्म का टाइटल है वो मुझे काफी आकर्षित किया और मुझे लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डेफिनेटली कमाल करेगी और रवि तेजा को अमिताभ बच्चन के रोल में अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग करते हुए देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।